हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी खास है। दोस्तों मुझसे हर रोज़ यहां पे लोग पूछ रहे थे, सर हमारे ब्लॉक के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रहा है, कि क्या करें हम लोग जो हमारे ब्लॉक के ऊपर ट्रैफिक आए। दोस्तों तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब मैं यहाँ पर ब्लॉगर से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो पब्लिश करने वाला हूँ कुछ दिन, ताकि आप लोगों के ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ सके। और इसमें मैं आपको कम्प्लीटली SEO के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने ब्लॉग वेबसाइट को यहाँ पे रैंक करवा सकते हैं। बहुत इजी मेथड है दोस्तों, दो चार ट्यूटोरियल ही आएगा यहाँ पे, मैं आप लोगों को कम्प्लीटली गाइड करने वाला हूँ, ताकि आप लोग अपने अपने ब्लॉग से अर्निंग कर सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ज़रा इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ये घंटी के निशान को दबा लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो का लुत्फ़ सबसे पहले उठा लीजिए। तो और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट के बारे में हमने बताया है, तो मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि उसे ब्लॉगर में ही बताऊं, ताकि सारे लोग इसमें हमारे साथ ज्वाइन हो सकें। बहुत लोग दोस्तों ऐसे हैं कि वो लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत लोग दोस्तों ऐसे हैं कि वो लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो वर्डप्रेस के कारण वो लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने डिसाइड किया है कि कोशिश करूँगा कि मैं ब्लॉगर में ही आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली दोस्तों सबसे पहले आपको अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे जाना होगा, ठीक है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखता है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग के ऊपर जाना है और बेसिक सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप इसका टाइटल ज़रूर दें, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों टाइटल देने का मतलब है कि अगर आप टाइटल यहाँ पर नहीं देते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाला है। तो सिंपली दोस्तों हमने यहाँ पर अपने ब्लॉग से रिलेटेड टाइटल यहाँ पर हमने कॉपी करके रखा हुआ था, अब हम इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पे हम इसे सेव कर लेते हैं, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने ब्लॉग वेबसाइट को यहाँ पे रैंक कराना चाहते हैं तो आपको गूगल को बताना होगा या किसी भी सर्च इंजन को बताना होगा कि हमारे वेबसाइट का टाइटल क्या है और हमारे वेबसाइट किस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे एडिट करेंगे, और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैक्सिमम 500 वर्ड ही आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे टाइटल को ज़रूर कॉपी करें, ठीक है। यहाँ पे आप टाइटल को डालें, डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी अपना डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, जिस टॉपिक से आपका ब्लॉग है, वो टॉपिक आप यहाँ पे ज़रूर फाइंड करके डालें, ठीक है। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये बहुत कम है दोस्तों, फिर भी हमने यहाँ पे किया सपोज डैट आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये एक डेमो ब्लॉग है जिसको मैं यहाँ पे आपको कम्प्लीटली रैंक करवा के यहाँ पे दिखाऊंगा वीडियो के आखिरी में दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों हम लोग यहाँ पे अभी सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, ये हमारा डोमेन है, ठीक है। तो इस डोमेन को हम यहाँ से हटाएंगे, ओके। इस डोमेन को हम यहाँ से हटा देंगे, ताकि अपना साइड मैप ये वगैरह को हम यहाँ पर रिडायरेक्ट कर सकें, यानी वेरीफाई कर सकें, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके आपको ये सबको ऑन कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे बचता है प्रीफ्रेंस सेटिंग, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे हैं मेटा टेक डिस्क्रिप्शन, तो मेटा टेक डिस्क्रिप्शन दोस्तों आपके ब्लॉग से रिलेटेड जो भी होता है, जैसे देखिए जी न्यूज़ हिंदी लेटेस्ट न्यूज़ है ना, तो ये जो लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों ये हो गया मेटा टेक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इसी तरह का दोस्तों आप लोग डिस्क्रिप्शन दें। सिंपली हम लोग यहाँ पे एडिट करते हैं और यहाँ पे यस करेंगे, और यहाँ पे हम लोग इसे पेस्ट करके यहाँ पे सेव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग 150 वर्ड का ही दीजिए, ठीक है। 150 वर्ड का अगर आप लोग देते हैं तो ये जल्दी रैंक कर जाता है, ठीक है, और जल्दी सेव हो जाता है। और 150 से अधिक वर्ड का यहाँ पे होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये सेव हो चुका है। अब सिंपली स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कस्टम रोबोटेक हेडर है, इसको एडिट करें। एडिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे यस करें। यस करने के बाद आप यहाँ पे होम पेज पे क्या क्या दिखाना चाहते हैं, तो हम ये और ये दिखाना चाहते हैं,
और इसको दोस्तों यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसको इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। हमने बहुत बार ये वीडियो बना दिया है लेकिन ये एक सीरीज है, यहाँ पे हम आपको ए टू जेड चीज़ यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों हम यहाँ पे शेप चेंज कर लेते हैं, ये हमारा शेप चेंज हो गया। और ये जो दोस्तों बचता है, ठीक है, एडिट कस्टम रोबोट टेक्स्ट, ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में करेंगे दोस्तों, जब हम लोग अपने वेबसाइट को गूगल सर्च कोसलो में सबमिट करेंगे उसी टाइम हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों अब हमें एक पोस्ट लिखना है, तो चलिए हम लोग एक पोस्ट एडिट करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आप अपने पोस्ट को किस तरह से पब्लिश करें। पोस्ट भी करना दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर पोस्ट को आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं तो आपका ब्लॉग का पोस्ट जो होता है ये रैंक नहीं करने वाला है। ये एक डेमो पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग टाइटल दें, टाइटल को उठा के यहाँ पे आप कॉपी करें, और दोस्तों जो भी टाइटल देते हैं वो यहाँ पे आपको ज़रूर बीच बीच में कहीं कहीं आपको दिखाना होगा। तो सिंपली दोस्तों इतना सा अभी हम क्लिक यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको हम अभी आपके सामने फाइंड करते हैं, ठीक है, कंट्रोल एफ, और यहाँ पर हम लोग इसे पेस्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट नेम हमारा यहाँ पे लगभग तीन चार जगह यहाँ पे दिख रहा है। तो इसी तरह से हम लोग दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों, अब फ़ोटो को भी हमें रैंक कराना है। तो फ़ोटो को रैंक कराने के लिए दोस्तों हमें करना क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों टाइटल को आप यहाँ ज़रूर कॉपी करें, और जब आप अपना इमेज कुछ भी इमेज लगाते हैं तो कुछ भी दोस्तों यहाँ पर इमेज आप लोग लगाते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर इमेज के ऊपर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद दोस्तों ये कॉलम आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों यहाँ पे स्मॉल इमेज ही होता है, आपको इसे एक्स लार्ज कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में इसका नाम दे दीजिए जो भी देना चाहते हैं। ये भी अपने पोस्ट का SEO कर रहे हैं आप, ठीक है, इस मेथड से सिंपली ओके कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे ऐड कैप्शन के ऊपर करना है क्लिक, और यहाँ पे दोस्तों आप लोग इसे पेस्ट कर दें, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। अब सिंपली दोस्तों इसका लेवल दें, जरूर याद से आप लेवल दें, जो जिस कैटेगरी में रखना चाहते हैं उस कैटेगरी का लेवल यहाँ पे दें। अब बात रही दोस्तों यहाँ पे परमा लिंक, तो परमा लिंक दोस्तों यहाँ पे आपको परमा लिंक देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। परमा लिंक अभी हमारा ईमेल इनेबल नहीं है, जब हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अभी अभी जो हमें जो यहाँ पे ये करना है कस्टम रोबोटेक्स हेडर, तो सिंपली दोस्तों हम लोग इसे डिफ़ॉल्ट को अनटिक करके यहाँ पे सेव कर देंगे, है ना। सेव करने के बाद दोस्तों हम लोग इसे अभी यहाँ पे सेव कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा सेव हो चुका है। अब हम लोग थोड़ा सा इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है, रिफ़्रेश कर लिया दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमारा सर्च डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे परमा लिंक जो है यहाँ पे देख सकते हैं परमा लिंक। तो बहुत लोग दोस्तों यहाँ पे करते क्या है कि उनका ब्लॉग वेबसाइट यहाँ पे रैंक इसलिए नहीं करता है कि क्योंकि उन लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको आप टच नहीं करते, इसको टच ज़रूर करें, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर कस्टम परमा लिंक के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके टाइटल के साथ ये जो आपका डोमेन के साथ जो है ये हट जाता है, और यहाँ पे आपको शॉर्ट मिल जाता है URL। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे ज़रूर डन कर दे, देख सकते हैं दोस्तों आपका शॉर्ट URL हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों सर्च डिस्क्रिप्शन है, तो सर्च डिस्क्रिप्शन दोस्तों आपके पोस्ट को रैंक कराने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका बहुत बड़ा काम है। अगर आप दोस्तों सर्च डिस्क्रिप्शन का डब्बा खाली छोड़ देते हैं तो आपका पोस्ट जल्दी रैंक नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों जो भी टाइटल रखते हैं वो टाइटल को यहाँ पे आप कॉपी करके सबसे पहला काम आपको टाइटल देना है। अब दोस्तों इस पोस्ट से रिलेटेड आपको कुछ कुछ कीवर्ड यहाँ से देना है, तो चलिए हम लोग कुछ कुछ कीवर्ड यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग कॉपी करके, और यहाँ पे आप लोग कॉमा लगाइए, ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर यहाँ पे कॉमा लगाइए। और उसके बाद दोस्तों और एक चीज़ मैं आपको पोस्ट से रिलेटेड यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, सिंपली दोस्तों यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप लोग ज़रूर करें, जैसा दोस्तों हम करते हैं वैसा ही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और SEO का नियम भी यही है, अगर आप ब्लॉगर से अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको इस तरह का मेहनत करना पड़ेगा। वर्डप्रेस में भी दोस्तों आपको मैन्युअली हमेशा कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है कि वर्डप्रेस में आप सब चीज़ डाल दिए बस हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग कुछ और भी यहाँ पे कीवर्ड ले लेते हैं जिसके कारण दोस्तों हमारा पोस्ट यहाँ पे 110% रैंक करेगा, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
हमारा हो चुका है, अब डन कर लेते हैं। और एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे दोस्तों यहाँ पे आप हमने यहाँ पे सबटाइटल दिया है ठीक है, तो आपको भी सबटाइटल देना है, हर एक चीज़ का सबटाइटल देना है, और कुछ कुछ पॉइंट को जो दोस्तों यहाँ पे हाईलाइट करना है, जैसे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम बोल्ड कर दिए हैं ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों आप कुछ कुछ यहाँ पे जो होता है मेन मेन पॉइंट जो होता है उसे आप ज़रूर यहाँ पे हाईलाइट करें ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर भी आपको सबटाइटल देना होगा ठीक है, सपोज डैट सबटाइटल हम यहाँ पे देते हैं ठीक है। तो सिंपली हम कुछ भी यहाँ पे सबटाइटल अभी फिलहाल दे देते हैं, आप अपने पोस्ट से रिलेटेड सबटाइटल जरूर दें ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सबटाइटल का मतलब होता है कि अभी मैं दिखाता हूँ ब्लॉगर में सबटाइटल आप लोग कैसे दे सकते हैं। सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप लिखिए, इसको सेलेक्ट कीजिए ठीक है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए ठीक है, इसको यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग जाइए और यहाँ से सब टाइटल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ठीक है। सब टाइटल के ऊपर हमने यहाँ से क्लिक किया और ये हमारा सब टाइटल में कन्वर्ट हो गया है ठीक है। और इसी तरह से दोस्तों जितना भी आप इसमें बताना चाहते हैं आप ज़रूर सब टाइटल का यूज़ ज़रूर करें। अगर सब टाइटल का यूज़ करते हैं दोस्तों तो आपका पोस्ट यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रैंक करेगा। तो दोस्तों इसे कहते हैं ऑन पोस्ट SEO ठीक है, और यानी आप अपने पोस्ट का किस तरह से SEO कर सकते हैं। बहुत लोग दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं कि हमारे ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक नहीं आता है, तो ट्रैफिक नहीं आता है दोस्तों आप लोग जैसे तैसे पोस्ट को पब्लिश कीजिएगा तो आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक यहाँ पे आने वाला है ही नहीं ठीक है। परमा लिंक के ऊपर ध्यान दें, सर्च डिस्क्रिप्शन के ऊपर ध्यान दें और अपने आर्टिकल के ऊपर ध्यान दें। आर्टिकल को अच्छी तरीके से कस्टमाइज़ करें, आर्टिकल के ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आर्टिकल हमें किस तरह से पब्लिश करना है, जैसे सब टाइटल ठीक है, हेडलाइन देना है आपको और कुछ कुछ मेन पॉइंट को आपको जो है हाईलाइट करना है ठीक है। ये सब चीज़ आपको करना ही करना है, अगर आप नहीं करते हैं दोस्तों तो आपका जो पोस्ट जो होता है वो रैंक नहीं करता है। जैसे ही दोस्तों देख सकते हैं हमने इस फोटो का नाम दे दिया है ठीक है, तो इस नाम से हमारे इस नाम से अगर गूगल में सर्च किया जाएगा तो हमारा फ़ोटो वहाँ पर दिखना ही दिखना है। जब हमारा फ़ोटो दोस्तों दिखेगा तो ऑलरेडी है कि हमारा पोस्ट के ऊपर वो लोग या हमारे ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे लोग आएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये SEO का पहला क्लास था, इसमें हमने सीखा है फिलहाल यहाँ पे बेसिक सेटिंग करना ठीक है, उसके बाद अपने पोस्ट का SEO, जब दो तीन चार पोस्ट आप लोग कर लीजिएगा तब हम लोग चलेंगे वेब मास्टर टूल में, वहाँ से साइड मैप जनरेट करेंगे और बैकलिंक वगैरह हम लोग बनाएंगे और मेटा टैग डिस्क्रिप्शन अपने ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर किस तरह से लगाते हैं, ये सब सारी बातें हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे दोस्तों। और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट के बारे में हमने बताया है, तो मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि उसे ब्लॉगर में ही बताऊँ ताकि सारे लोग इसमें हमारे साथ ज्वाइन हो सकें। बहुत लोग दोस्तों ऐसे हैं कि वो लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं ठीक है, तो बहुत लोग दोस्तों ऐसे हैं कि वो लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो वर्डप्रेस के कारण वो लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने डिसाइड किया है कि कोशिश करूंगा कि मैं ब्लॉगर में ही आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है दोस्तों, सीखने में मज़ा आता है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं ताकि मैं आपको ब्लॉगर का कम्प्लीटली SEO यहाँ पे करके दिखाऊं और अपने ब्लॉग वेबसाइट को आप लोग स्टेप बाय स्टेप रैंक करवा सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।